दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस से यूरोप में हाहाकार मचा है। दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस से 7,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, वहां अब तक 10,023 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। जहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 92,472 संख्या जा पहुंची है। वहीं अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 2,000 पार हो चुका है। कोरोना वायरस का कहर यूरोप में बरप रहा है, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इस खतरनाक बीमारी के कारण लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। इस बीच जर्मनी के एक मंत्री ने कोरोना वायरस के कारण खुदकुशी की। जर्मनी के ऐसे राज्य के प्रधानमंत्री वोल्कर बाउफर ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित वित्त मंत्री थॉमस शेफर ने रविवार को खुदकुशी की। कोरोना वायरस के कारण स्पेन की प्रिंसेस मारिया टेरेसा की मौत हुई है, वो 86 साल की थी, कोविड-19 से पीड़ित थी। प्रिंसेस मारिया स्पेन के रॉयल परिवार की कैडेट ब्रांच की सदस्य थी, वह हाउस ऑफ बॉर्बन पार्मा की सदस्य थी। प्रिंसेस मारिया टेरेसा शाही परिवार की पहली सदस्य है जिनकी कोविड-19 से मौत हुई है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री पैट्रिक का रविवार को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, 75 साल के थे। कोरोना वायरस से मरने वालों में पैट्रिक यूरोप के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा था, मैं महामारी से प्रभावित हूं, थका हूं, लेकिन स्थिर हूं। कोरोना की बीमारी ने अमेरिका में विकराल रूप लिया है। रोजाना अमेरिका में हजारों की संख्या में नए मामले दर्ज हो रहे हैं, जबकि रोजाना मरने वालों की संख्या सैकड़ों है। इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में लागू वॉलंटियर लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रंप ने अपील की है कि लोग 30 अप्रैल तक घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देश में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना के मामले 1,000 के पार जा चुके हैं। अब तक कोरोना के 1,071 मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना से 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 99 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना को लेकर मोदी सरकार ने 11 कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी कोरोना के कारण आई आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी का खाका खींचना है। गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को कमेटियों का गठन किया गया। इन कमेटियों में मोदी सरकार के सीनियर अफसर शामिल किए गए हैं। पहली कमेटी मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान के लिए बनाई गई है। इसकी अगुवाई नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी पॉल कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जंग में प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए देश में पीएम केयर फंड में दान देने की होड़ लगी है, लेकिन इसके नाम पर कई फर्जी वेबसाइट भी चल रही हैं, जिनसे बचने की सरकार ने चेतावनी दी है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने चेतावनी दी है कि पीएम केयर फंड के नाम पर कई फर्जी यूपीआई आईडी से चंदा मांगा जा रहा है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर बताया कि पीएम केयर फंड के नाम पर प्रसारित हो रहे फर्जी यूपीआई आईडी से सावधान रहें। कोरोना संकट के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय के जजों ने देश में कोरोना वायरस से लड़ने में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से घोषित किए गए राहत कोष में 10,000 रुपये दान करने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के सभी जज अपनी सैलरी से 10,000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर आम लोगों से सहायता राशि देने की अपील की थी। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच से बढ़ाए जाने की खबरों पर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने हैरानी जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई विचार अभी नहीं है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में बड़े शहरों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस नागेश्वर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र से रिपोर्ट तलब की है कि इनसे पूछा गया है कि वो क्या कदम उठा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32 तक जा पहुंची और 3 मौतें हो चुकी हैं। इसे देखते हुए इंदौर में सोमवार से देश का सबसे कड़ा लॉकडाउन शुरू किया गया, जिसमें 3 दिन तक दूध, सब्जी, किराना, पेट्रोल पंप और बैंक बंद रहेंगे। दूध को लेकर कुछ छूट देने की बात कही जा रही है। शेयर बाजार एक बार फिर भारी गिरावट के साथ खुला है। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 589 अंकों की गिरावट के साथ 29,226 के स्तर पर खुला और देखते ही देखते ही 28,811 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भी 8,385 पर खुला और 8,338 पर जा पहुंचा। कोरोना वायरस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से प्रीपेड यूजर के प्लान की वैलिडिटी बढ़ाने को कहा है। ट्राई ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को पत्र लिखा है। इस पत्र में कंपनियों से कहा गया है कि सभी प्रीपेड यूजर के लिए वैलिडिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। लॉकडाउन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने इस महामारी से बचाव के लिए फिलहाल डिजिटल लेन देन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस देश के लिए हर तरह से बड़ा संकट है और बचाव ही एकमात्र उपाय है। वीडियो में शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में लोग घर पर रहकर ही डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए लेन देन कर सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कराने पर कई आला अधिकारियों पर गाज गिरी है। दिल्ली सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेणु शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सत्यगोपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव वर्मा को भी निलंबित किया गया है। इधर सीलमपुर के SDM को भी कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड 19 के मरीज के संपर्क में आने के बाद डॉक्टर, नर्स और कुछ मरीजों को क्वारंटाइन किया गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुछ वरिष्ठ डॉक्टर्स और नर्स को प्रोटोकॉल के आधार पर क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को भी सेल्फ क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। कोविड 19 बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। एम्स ने ट्रामा सेंटर की पूरी बिल्डिंग को कोविड 19 अस्पताल में तब्दील करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इसकी तैयारियां भी तेजी से हो रही हैं। एम्स का ट्रामा सेंटर खासकर दुर्घटना के मामले निपटाता है। अब यह सेंटर पूरी तरह से कोविड 19 के मरीजों के लिए समर्पित होने जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में हजारों दिहाड़ी मजदूर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक का DTC की बस में सफर करके पहुंचे। अब DTC की ओर से नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत बस में वही मजदूर सफर कर पाएंगे जिनके पास ड्यूटी पास होगा। इसके अलावा सभी का पहचान पत्र भी चेक किया जाएगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस की ओर से भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए गए हैं। राहुल गांधी के द्वारा दिए गए सुझाव और उपाय कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर साझा किए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोमवार को ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा, कोरोना महामारी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है, लेकिन इससे भयभीत होने की बजाय समझदारी से काम लेने की जरूरत है, आवश्यकता है। सरकार को रणनीतिक स्तर पर इससे निपटने की जरूरत है। इसी ट्वीट के साथ कुछ सुझाव भी साझा किए गए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण, लॉकडाउन और इसके मद्देनजर दिल्ली में रह रहे यूपी के हजारों मजदूरों के पलायन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने चिंता जाहिर की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बाबत एक पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री योगी ने आश्वासन दिया है कि यूपी में रह रही दिल्ली की जनता का उत्तर प्रदेश सरकार पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने पत्र में यह भी लिखा है कि दिल्ली में रह रही उत्तर प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य, सुरक्षा व अन्य जरूरतों का दिल्ली सरकार पूरा जिम्मेदारी से पालन करेगी, उनकी जिम्मेदारी को उठाएगी, ये भरोसा उन्हें है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के 27,15,000 मजदूरों को योगी सरकार ने राहत दी है। यूपी में मनरेगा के मजदूरों के खाते में 6
611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। निर्माण मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों के सीधे खाते में एकमुश्त 611 करोड़ रुपए की रकम यूपी सरकार ने आज डाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से डरी है तब ग्राम विकास और SBI ने मिलकर रुपये का ट्रांसफर किया है। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। 2019-20 में 24 करोड़ 32 लाख मानव दिवस मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आज एक बड़ा कार्य संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने कई मनरेगा श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बात की। उन्हें योजनाओं की जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह धनराशि उन मजदूरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये पलायन कर रहे मजदूरों को देखकर समझा जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार 80 लाख मनरेगा मजदूरों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करेगी। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर भावुक अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा के वक्त उत्तर प्रदेश की भूमि पर जहां के भी नागरिक हैं उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। उनकी जिम्मेदारी है करना, हम उनकी हिफाजत करेंगे, हमें इस आपदा से मिलकर लड़ना। मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में बाकी राज्यों की सरकारों से अपील की है कि उनके राज्य में रह रहे उत्तर प्रदेश के निवासियों की भी देखरेख करें और उनकी हिफाजत करें। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में जुटे कोरोना योद्धाओं के लिए जिला प्रशासन ने 4 होटल्स का अधिग्रहण किया है। इन होटल्स में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ क्वारंटाइन किया जाएगा। प्रशासन ने होटल हयात, फेयर डील, पिकाडिली और लेमेंट्री का अधिग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 24 घंटे में 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। हड़कंप मचा है इसके बाद। इसके साथ ही जिले में इस महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर 33 हुई है। 1,850 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया। दिल्ली सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल लोगों के इलाज के लिए जिन मोहल्ला क्लिनिक्स को खोला गया था उन पर भी ताले लगे हुए हैं। ऐसे में लोग सुबह से ही मोहल्ला क्लिनिक खुलने का इंतजार करते खड़े दिखाई देते हैं। 21 दिन के लॉकडाउन में कुछ जगह पर सरकार के दिशा निर्देशों को लोग मान नहीं रहे बिल्कुल तरीके से। दिल्ली के मयूर विहार के फेज 3 में राशन लेने के लिए लगी भीड़ में लोग एक दूसरे के साथ सटकर खड़े नजर आए। मयूर विहार में सुबह से ही राशन लेने गए लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। इस दौरान राशन लेने के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। उत्तराखंड में 31 मार्च को लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को राहत देने के लिए लिया गया फैसला और दिया गया आदेश राज्य सरकार ने वापस लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों में एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट को भी रोके जाने को कहा गया है। हमें देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए और सख्ती से लॉकडाउन को लागू करना होगा। इससे कुछ कष्ट हो सकता है लेकिन हम सभी के हित में होगा। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक का अपराध एवं कानून व्यवस्था आलोक कुमार ने लॉकडाउन को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी मालिक अपने मजदूरों को पूरी तनख्वाह दें। साथ ही छात्र और मजदूर जिस भी मकान में रह रहे हैं वहां उनको जबरदस्ती खाली उनसे नहीं किया जा सकता वो कमरा और मकान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी मालिक या मकान मालिक इन बातों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की समस्या से पूरा देश जूझ रहा है। मानव समाज के साथ साथ अपशुओं पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मिर्जापुर में SP ने मानवता की मिसाल पेश की। SP ने सुनसान पड़े रोड पे बस स्टैंड पर कुत्तों को रोटियां खिलाई हैं। मिर्जापुर के SP मिर्जापुर डॉक्टर धर्मवीर सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अमरोहा के सैदन गली इलाके में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां कुछ दबंग लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन के दौरान बाजार में कालाबाजारी भी शुरू हुई है। दुकानदार औने पौने दामों पर सामान बेच रहे हैं। वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रियलिटी चेक करने के लिए सिविल ड्रेस में बाजार का दौरा किया। इस दौरान कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ
कार्रवाई भी की गई। बरेली जिले से ट्रैफिक पुलिस और दमकल विभाग की टीम की एक बड़ी लापरवाही बड़ी खबर आई। आपको बता दें कि यहां सैनिटाइजेशन के नाम पर सैकड़ों मजदूरों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया। दिल्ली, नोएडा और हरियाणा समेत कई जगह से बरेली पहुंचे मजदूरों पर ट्रैफिक पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया, जहां लोगों की आंखों में भी सैनिटाइजर चला गया, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन हुई। लॉकडाउन की वजह से पिथौरागढ़ और चंपावत जिले से यूपी के लखीमपुर, शाहजहांपुर, बदायूं सहित अलग अलग जिलों को पैदल ही मजदूरों का बड़ा समूह खटीमा पहुंच रहा है। मजदूर वर्ग को यात्रा के दौरान कुछ संगठन खाना पानी मुहैया करा रहे हैं।